अयोध्या जनपद के थाना महाराजगंज अंतर्गत पूरा बाजार मरना झुलू का पुरवा के ग्रामीणों का कोटेदार के खिलाफ राशन न देने पर विशाल प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि ब्रजेंद्र यादव कोटेदार हम लोगों को बार बार बुलाते हैं, आने के बाद राशन नहीं देते हैं। ग्रामीण न्योला देवी ने कहा कि लॉकडाउन से पहले मुझे 25 किलो अनाज मिलता था, जब से लॉकडाउन लगा है ठीक 10 किलो ही अनाज दिया जा रहा है। कोटेदार कहते हैं लेना है तो लो अन्यथा ना लो। इस तरह से तमाम लोगों से बात की गई तो उनका यही आरोप है कि राशन हमको नहीं मिलता। इसी मुद्दे पर जब कोटेदार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ टोटल 880 कार्ड धारक हैं, अभी तक हम 600 लोगों को राशन वितरण कर चुके हैं। कोटेदार कहते हैं कि जब सर्वर ही नहीं रहता तो राशन कहाँ से दिया जाएगा, इसलिए उनको दोबारा बुलाते हैं। आपको बताते चलें कि ऐसे तमाम ग्रामीण जो कहते हैं कि 20 साल मुझे यहाँ रहते हो गया लेकिन मेरा राशन कार्ड नहीं बना और आज तक मुझे राशन नहीं मिलता, इसमें कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान की कमी नजर आ रही है कि आखिर इनका राशन कार्ड क्यों नहीं बना। शासन प्रशासन की धज्जियां उड़ाते ऐसे प्रधान और कोटेदार पर प्रशासन कब कार्रवाई करेगी, देखने वाली बात है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए दयाशंकर सिंह उर्फ ननकू सिंह ने कहा कि हम गरीब हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, लेकिन हमको राशन नहीं मिलता। हम चाहते हैं ऐसे कोटेदार को बर्खास्त कर देना चाहिए। इस धरना प्रदर्शन में तमाम ग्रामीण शामिल हैं। पहले 25 किलो राशन पाते थे, जब से लॉकडाउन हो गया तब से हमको 10 किलो राशन मिल रहा है। कोटेदार को मैंने बोली कि काहे ये काट दिया, तो बोले कि तुम्हारा 3 आदमी का नाम कट गया, तुमको 10 ही किलो राशन मिलेगा। तो मैंने एक दिन चली आई, बोले दूसरे दिन आना तब ले जाना, फिर दूसरे दिन गए तो भी 10 ही किलो हमको दिया। तो क्यों दिया, अपने घर से वो देता है, हमारा 15 किलो क्यों काट दिया। बोलता है आगे से कट गया है, तो आगे से जो कोई लॉकडाउन चल रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, तो कैसे कट गया है। ये गरीब मजदूर आदमी हैं, राशन नहीं पा रहे, राशन कार्ड है भी तब भी नहीं पा रहे ये लोग, और जो लोग पा भी रहे हैं वो पैसा देकर पा रहे हैं, और सरकार फ्री कर दिया है तब भी ये लोग पैसा लेकर राशन ला रही हैं। 35 किलो चावल जो मिलता है लाल कार्ड पर वो नहीं मिला हमको। अच्छा, एको किलो क्या कह रहा है? कह रहे कि अभी नहीं दे पाएंगे, अभी भीड़ है। अच्छा, हाँ 3 दिन हम दौड़ दौड़ उनके घर के पास मने बैठे थे 3 दिन। अपने आप को दहशत वाला आदमी दिखाई पड़ता कोटेदार, वो सबको दहशत करके पैसा कमा रहा है, एक पैसा देता नहीं, सामान भी नहीं देता, घटतौली भी करता है। उसके बाद भी हम एक आदमी ऐसे हैं जो 20 साल से राशन हमको मिला ही नहीं है। हम तो सीधे राशन देते एक यूनिट पर 5 किलो, 10 यूनिट है तो 50 किलो, 9 यूनिट है तो 45 किलो, 8 यूनिट है तो 40 किलो। और रहा अंत्योदय कार्ड का समस्या, बहुत सारे कार्ड ऐसे हैं कि जो एक एक यूनिट के बने उनको 35 किलो मिलता था, लेकिन अब इस महीने में उनको 5 किलो मिल रहा, तो सोचते हैं मुझे 35 किलो चाहिए वही, ठीक है ना। तो सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना जो है, जो आई है, तो हम अपने घर से तो दे नहीं पाएंगे, जो भी देंगे सरकार की योजना के द्वारा थी देंगे। अयोध्या से अनिल निषाद की रिपोर्ट।